अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हालचाल हैरान सब ठीक ठाक भला। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चांदनी जो है उदास है क्योंकि मैं जा रही हूँ अब दिल्ली थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ। हाँ बस 13 दिनों के लिए 13 दिन बहुत उसको उदास लग रहा है। ये हमारा सामान जो है पैक हो चुका है, 4 बैग, पंकज आ गया है तो अब हम जो है दिल्ली जा रहे हैं। ट्रेन तो हुई नहीं तो बस से जाएंगे। हेलो द गड़ियो कैसे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरे गले से ये खाना भी नहीं आ रहा है। खाना भी नहीं खाया ब्रो, खाने भी नहीं खाया इसने। तो आ जाऊंगी 13 दिन बाद आ जाऊंगी मैं, थोड़ा काम भी है मेरे को और कैमरा भी खराब हो रहा है इसका और माइक भी खराब हो रहा है और बहुत सारा काम भी है थोड़ा सा। तो इसने पता है कार को पकड़ के वीडियो बनाई और मुझे पकड़ के नहीं बोलता। मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाली है, मासी लव करके कानू है दीदी का बेटा, उसको पकड़ के डांस कर रहा है। तो ये भी बोल रही है कि मैं भी बुआ लव वाला करके डालूंगी, हैशटैग बुआ लव, मेरे को भी पकड़ के डांस करो गोदी में। डट्टी ऐसी हो गई है, इतनी डट्टी है। कानू तो चलो 1 साल का है। मैं कितने साल की हूँ? ये है ही कितने साल की है, ये 17 साल की है, 17 साल की है और मैं इससे बहुत बड़ी हूँ। छोटी है ना देखो ये डायलॉग मुझे बहुत गंदा लगता है। इसको ये डायलॉग बहुत गंदा लगता है, मैं इसको बोलती हूँ। छोटी है ना, छोटी की तरह रहे। तुम बड़ी हो ना, बुआ बुआ की तरह रहो। आते रहोगे बाहर जाने। अब दगड़ियो पंकज अभी ऑटो लेने गए है और अभी से मेरे को गाड़ी लगनी है। गाड़ी लगे जैसे आ रही है, बस में जाना है। एडजस्ट कर लेना आवाज थोड़ी खचुर खचुर कम कम आ रही होगी क्योंकि माइक जो है मेरे तीनों माइक खराब हो गए। 3 माइक लेके गई थी मैं गाँव, 3 महीने में 3 माइक खराब कर दिए मैंने, तो सोच लो आप। ये ना खुचर खुचर करती रहती है, एक दिन जिस दिन हम गिरे एक माइक तो उसी दिन खराब हुआ है इसका, याद है? गांव में मैं इतनी गिरती पड़ती रहती है, हमें को चोट नहीं लगी एक बार भी। इस बार ही नहीं लगी, लगी थी याद है उस दिन यहाँ पे जब हम नाच रहे थे। अरे हाँ अरे मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। और मम्मी पिठा लगा रही है, कट कट होना ही है। तुसी जा रहे हो, तुसी कले कले जा रहे हो। अब दोन आ रही है क्या? नहीं ले जा रही हूँ तेरे को मैं। अभी हम जा रहे हैं चाचा से मिलने, चाचा और अम्मा और चाची। अब ओ हेलो कैडियो, हेलो हाय दगड़ियो, हाय दगड़ियो, हाय दगड़ियो, या दगड़ियो या नाचनी या ने हां देखियो आज देवा पादो जी जाऊ पछे आया। हां हां उन लगो अब हम नोट नई नोट हो रहा है कि गलती कर दी दो। हां अब क्या करेंगे? बाय बाय। चलते यार।
वीडियो अभी हम अड्रेस से पहुंचे हैं और यहाँ पे बस रुकी है, तो अभी पंकज जो है खाना खा रहे हैं। भाभी ने दी थी रोटी और आलू की सब्जी, खा लिया अभी। लंच बॉक्स में दिया है चांदनी के लंच बॉक्स में। तो अभी खाते हैं, बस पहुंचने वाले हैं अभी हम। 4 बजे रुके आज बस। इतनी सारी रोटियां दे दी है भाभी ने। दोनों भाई नहीं लग रहे। आज मिली, थंबनेल में लिखूंगे आज मिली पुष्कर सिंह धामी और मोदी जी से एक साथ मुलाकात उत्तराखंड रोडवेज में। अचानक भेंट हुई। पहुंच गया आनंद विहार। कितने घंटे लगे होंगे? हमें लगे 7 घंटे। नहीं, 11 बजे आए थे हम वहाँ से। 11:30 बजे बस चली थी। कितने घंटे हो गए? जब गांव से डायरेक्ट आते हैं हम दिल्ली तो 7-8 घंटे गांव से लग जाते हैं, उससे ज़्यादा ही लग जाते हैं, और फिर वहाँ से इतने ही डबल हो जाते हैं ट्रैवल। तो अभी हमने ऑटो पकड़ा है यहाँ से, अब हम जा रहे हैं सीधा घर। रूम पर कोई नहीं है आज, पापा भी बाहर गए हुए हैं, हम दो ही हैं। खाना बनाना है घर जाके, खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। मम्मी गांव में ही है, मम्मी भी आएगी शादी में, अभी भाई की शादी है जब हल्द्वानी में, तो दोबारा से हल्द्वानी जाने हैं। ऑटो वाले भैया टिकट काटने गए हैं अपना। तो अभी यहाँ ब्लॉगिंग करने में भी डर लगता है, क्योंकि आप ऐसे फ़ोन पकड़े, पता चले पकड़ के भाग जाए। यहाँ पे फ़ोन वगैरह जो है ऑटो में भी बैठ के जो है जेब के अंदर डालना होता है, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग बहुत नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो हाथ से छीन के चले जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये देखो, ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसे मैंने मना करा था फ़ोन यूज़ मत कर। मेरे फ़ोन की हालत देखी, इसका फ़ोन पूरा टूटा हुआ है, चोर भी वापस दे जाएगा, नया फ़ोन दे जाएगा, ले भाई। तो अभी तो मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, पर अब घर जाके ही करूँगी, आधे रास्ते में फ़ोन निकालूंगी मैं, मेरे को तो डर लगती है फ़ोन की, बड़ी मुश्किल से लिया है। इसको कोई टेंशन ही नहीं अपने फ़ोन की। ये बोल रहा चला जाए, कम से कम दूसरा तो आएगा, पूरा टूट रखा है इसका फ़ोन। ये देखो इसका फ़ोन, चोर भी बोलेगा भाई मैं ठीक कराने के लिए पैसे दे देता हूँ, तो फ़ोन रख ले। मेरे को फ़ोन से कोई मतलब नहीं जाता, फ़ोन करने के लिए चाहिए बस। मेरा सोशल मीडिया का नाम है भानु चपाल ऑफिशियल, और इसका है पंकज अनऑफिशियल। ऑटो वाले भैया नहीं आए, आधा घंटा हो गया। दगड़ियों, ऑटो वाले ने हमसे 100 रुपए लिए और वो हमारे 100 रुपए लेके भाग गया शायद। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। वो हमारे 100 रुपए लेके भाग गया शायद। बोला मैं अभी आ रहा हूँ टिकट काटने के लिए, 100 रुपया पहले दे दो। आधा घंटा हो गया, दिल्ली शुरू हो गई है, 100 रुपये पहले ही चोरी हो गए।
है। तो दगड़ियो हम पहुंच चुके हैं ये पंकज भावना आ गए ना। बाप रे तुम तो भूल ही गए थे कि हम दिल्ली रहते हैं। याद आ गया। मैं सोचा भूल गए कि हम दिल्ली रहते थे। सब कह रहे हैं खाली हो गए, किराएदार देख रहे आ रहे हैं भाई। तुम्हारे कहाँ से खाली? सब पूछ रहे हैं खाली है ना, नहीं तो खाली है। एक आई देखने की दिखा दो बिकाव रखा है। मैंने कहा वहाँ रह रहे हैं कि नहीं खाली। अच्छा मम्मी ठीक है? हाँ मम्मी ठीक। मम्मी अभी आएगी, बाद में आएगी। दगड़ियों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रूम पे और बालों का उड़न खटोला हो गया। बस में ऑटो में बैठ के आंटी बोल रही थी हमें लगा तुम लोग शायद मतलब यहाँ पे रेंट लोग देखने आए कि फ्लैट बिका हुआ करके बहुत सारे लोग की ये तो है ही नहीं यहाँ पे करके। अब जो है थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मेरे नाखून से मेरी उंगली में लग गई, भयंकर खून ही खून निकल गया। ये देखो मेरे नाखून, चूहे ने आतंक मचा रखा। चूहा पता नहीं कहाँ से भयंकर ही उधम मचा रखा है यहाँ पे। तो एक दो दिन मेरे को सफाई करने में लग जाएंगे। और ऑटो वाले ने भी शेयरिंग ऑटो कर दिया था, मतलब उसने हमें भी बिठाया पैसेंजर एज अ पैसेंजर और हमसे भी टोटल पैसे लिए उसने। और फिर बोला कि एक मिनट अभी आया 100 रुपये की पर्ची काट के, और बाद में किसी और पैसेंजर को ले आया एडजस्ट करके। अब चूहे ने पंकज ने चूहे देख लिया, पंकज दिन भर चूहे के पीछे पड़ा रहेगा अब, जब तक मिलेंगे नहीं इसको चूहे। बालू का ऐसा हो गया, बस में दो चूहे हैं। तो अभी हम थोड़ी सफाई कर, अब ये मुस्लिन साफ करे लगे। मुस्लिन मतलब जो है कि पॉटी साफ करेगी। अब ये तो ब्लॉग बंद करते हैं बोल रहे हो। पहाड़ी में जो है कि पॉटी को बोलते हैं मुस्लिन। तो अभी हम सफाई करेंगे थोड़ी सी, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मैं तो सो रहा हूँ, खाना खाना इसकी। खाना मंगाएंगे और सो जाएंगे। क्या बनाएगी? खाना देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो व्लॉग, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और माइक ले लूँगी मैं जल्दी, ये वाला व्लॉग में माइक नहीं था तो 3 माइक ख़राब हो गए मेरे। ओके बाय।